हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीए क्या होता है, या कितने साल का कोर्स होता है, या इसमें जो है कि कितना फीस लगती है अगर आप बीए करते हैं, और इसमें जो है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीए करने का सोच रहे हैं, आप जो है कि इंटर कर चुके हैं, तब आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे बीए के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बीए क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, जो बीए होता है यह एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अगर आप जो है कि इंटर पास करने के बाद बीए करते हैं, तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। और जो बीए का फुल फॉर्म होता है, वह होता है बैचलर ऑफ आर्ट। जी हाँ दोस्तों, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। तो फ्रेंड चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि बीए करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बीए करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो है कि आपको इंटर पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है कि इंटर पास कर लिए हैं, तभी जो है कि आप बीए कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 10th पास करके आप बीए कर लें, तो आप बीए नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीए होता है यह एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और जो है कि आप इंटर में चाहे साइंस स्ट्रीम लिए हों, या जो है कि आर्ट स्ट्रीम लिए हों, या कॉमर्स स्ट्रीम लिए हों, कोई भी स्ट्रीम हो, आप जो है कि बीए कर सकते हैं। और यह जो है कि यह 3 साल का कोर्स होता है। तो फ्रेंड चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो बीए होता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई। तो बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट आते हैं, लगभग 15+ सब्जेक्ट जो है कि बीए में हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं, तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट चुनना होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप बीए करने जाएंगे, तो उसमें सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट चुनना होगा, और 3 साल में जो है कि 2 साल आपको वह तीनों सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और जो थर्ड ईयर आपका होगा, लास्ट साल होगा, उस साल जो है कि आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो है कि बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट जो है कि चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि बीए में फीस कितना लगती है। तो फ्रेंड देखिए, जो बीए में फीस लगती है, यह डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आपका कॉलेज जो है कि वह गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर जो है कि फीस आपकी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, जो है कि आपको 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं पर ईयर। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के आपके 2 से 3 हज़ार रुपये लगते हैं, और 3 साल का मिला लेंगे तो जो है कि 8 से 9 हज़ार रुपये में आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि प्राइवेट से करते हैं बीए, तो वहाँ पर जो है कि आपको पर साल 8 से 10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, और 3 साल आप मिलाएंगे तो आपका जो है कि करीब 30 हज़ार रुपये के आसपास का बजट आ जाता है। और फ्रेंड्स, एक फ़ायदा और है कि अगर आप जो है कि बीए गवर्नमेंट से कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कि स्कॉलरशिप वगैरह भी ज़्यादा चांस होता है कि आ जाती है। तो वहाँ पर जो है कि आपका फीस लगभग पूरी तरह से आपका बीए फ्री हो जाता है। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं, तो वहाँ पर जो है कि आपका कन्फर्म नहीं होता है कि कितना जो है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम जान लेते हैं कि अगर आप बीए करते हैं, तो उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बीए कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है कि आप एमए कर सकते हैं, एमए करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बीए कर लेते हैं, तो आप जो है कि बीएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, आप जो है कि टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, या जो है कि रेलवे की आप तैयारी कर सकते हैं, उसके साथ ही आप आईएएस पीसीएस वगैरह की भी तैयारी आप बीए करने के बाद कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आप बीए करते हैं तो उसके बाद आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था बीए के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।